यूट्यूब पे एक बार अकाउंट बना के तो देखा यार, आईजीटीवी पे क्या वीडियो बना रहा है, वहां पे तो तू कितना बौखला रहा था। सो हे गाइस, दिस इज पीकेएम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों का लॉकडाउन कैसा चल रहा है? तो बस गाइस, अभी मैं आया हूँ, मैं किस लिए आया था यार? सो गाइस, मैं अभी आया हूँ एक वीडियो बनाने, और वीडियो बहुत ही हटके बनने वाली है। और टॉपिक तो आपको पता है कि कौन सा टॉपिक है, क्योंकि आपको टाइटल पढ़ के भी आपको पता चल गया होगा। मैं अपने बारे में और दूसरे के बारे में कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि यूट्यूबर और टिकटॉकर के बारे में कि भाई क्या है, क्या हालत है। और यूट्यूब और टिकटॉक के बारे में भी मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि भाई कैसा है, क्या कंपैरिजन है। और बहुत सारी बातें मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और करते हैं ना, करते हैं। अच्छा, यूट्यूबर बनना है, टिकटॉकर बनना है? हाँ, बहुत देखा। तो गाइज, हम बात करेंगे यूट्यूब और टिकटॉक के बारे में, जो सोशल मीडिया के एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और यूट्यूब और टिकटॉक एक ऐसी चीज़ है जो हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक यूट्यूब के बारे में पहले हम बात करेंगे, तो यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक पे हम कुछ भी बना सकते हैं। लाइक ब्लॉग बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, कॉमेडी वीडियो बना सकते हैं, फिर कुछ भी रोस्ट वीडियो बना सकते हैं। जैसे कैरी मिनाटी है, यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर बनाया हेड्स ऑफ यू कैरी मिनाटी, बहुत ही अच्छा वीडियो आपने बनाया था। तो बस ऐसे हम सभी वीडियो बना सकते हैं। तो हम बात करेंगे अब टिकटॉक के बारे में। तो टिकटॉक में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग 15 सेकंड के वीडियो बनाते हैं, 15 सेकंड के। और टिकटॉक के बारे में और भी बताऊं तो एक मिनट का वीडियो हम बना सकते हैं, क्योंकि उसकी लिमिटेशन ही एक मिनट की है। एक ही मिनट का वीडियो, यू गेट नथिंग, यू लूज। सही में बताऊं तो मैं यूट्यूब और टिकटॉक दोनों को अच्छी तरीके से मैं पहचानता हूं। और दूसरी बात कि मैं टिकटॉक पे मेरा अकाउंट है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब इज अ बेटर देन कम्पेयर टू टिकटॉक। और मुझे टिकटॉक विकटॉक पे आना कुछ पसंद भी नहीं है, और मुझे शौक भी नहीं है उस पे 15 सेकंड या एक मिनट का वीडियो बनाना। इससे अच्छा है कि मैं ब्लॉगर हूँ, तो मैं अपना ब्लॉग पे ही मैं ध्यान दूँ, और बस बेटर है एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और टिकटॉक के बारे में बात करूँ तो टिकटॉक पे बहुत सारे टिकटॉकर है, मेरा दोस्त भी है, वो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा फिलहाल। और कौन सा सिद्दीकी था यार, और एक है आमिर सिद्दीकी। और आमिर सिद्दीकी ने बहुत सारी बातें हमें शेयर की कि भाई वो एक ऐसा है, वैसा है, बहुत सारे ब्ला ब्ला ब्ला। मैं कुछ बताना चाहता नहीं हूँ, लेकिन जो बात है वो मेरे हिसाब से मैं कंपैरिजन बताऊंगा कि भाई क्या चल रहा है यूट्यूब कम्युनिटी में और टिकटॉक कम्युनिटी में। और बस आपको सही में सही बता दूं कि भाई मुझे यूट्यूब बहुत ही पसंद है, और मैं यूट्यूब को ही फॉलो करता रहूंगा। एक मिनट का वीडियो मुझे बनाना कोई शौक नहीं है, मुझे लौंडियाबाजी करना भी मुझे शौक नहीं है। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा लौंडियाबाजी करते हुए टिकटॉक पे। और एक बात मुझे भी पता चली कि टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए 4 घंटा या 5 घंटे तैयार होने में लगाते हैं। तो भाई ऐसा तो क्या है भाई टिकटॉक में कि भाई व्यूज लाने के चक्कर में हम 4-4 या 5-5 घंटा तैयार होने में लगाते हैं यार, एक मिनट का वीडियो बनाने में 4 घंटे, पागल हो गए हो क्या? दूसरी बात, हमारे यूट्यूब में बहुत ही अच्छा है, जब चाहो, मैं तो एक ब्लॉगर हूँ, जब चाहो कैमरा लो निकल पड़ो, जहाँ पे जाना जाओ, कोई परेशानी नहीं, कोई शर्म नहीं, जो कपड़े पहनना है पहनो, लोगों के साथ बात करो, मस्त ब्लॉग बनाओ, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई रोक टोक करेगा नहीं, मस्त यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, उस पर कोई टाइम लिमिटेशन भी नहीं है, और जो करना है, जो मर्जी, जो बनाना है वो बनाओ, उस पर कोई लौंडियाबाजी नहीं है। दूसरी बात ट्रांजेशन की, तो ट्रांजेशन हम यूट्यूबर को सिखाओगे कैसे, वीडियो में ट्रांजेशन में कैसे चेंज करना है वो फॉर्मेट हमें सिखाओगे? आप टिकटॉक वाले को क्या बताओगा कि भाई यूट्यूब पे क्या क्या होता है? जो सब होता है ना वो अपने यूट्यूब पे ही होता है। और आपको बता दी, यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, उस पर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो आपको बता दूं कि आप यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे ही ध्यान दो, टिकटॉक पे है तो टिकटॉक पे ही ध्यान दो। और टिकटॉक वालों, यूट्यूब पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है वही में खुश रहो,
मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं पे खुश हूँ, 15 सेकंड भी नहीं लगते ट्रांजेक्शन करने में, 15 सेकंड। तो आगे बनने के लिए टिकटॉक से अच्छा यूट्यूब ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, समझ लो यूट्यूब ही बेस्ट है, लिख लेना जहाँ पे लिखना है वहाँ पे। और हमें सिखाओगे कि वीडियो कैसे बनाना है, हमें बताओगे कि 15 सेकंड में कैसे वीडियो बनाते हैं? अरे हमारे में ऐसी क्रिएटिविटी है ना कि आप टिकटॉक पे जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन मार के जो आप टिकटॉक पे वीडियो बनाते हो ना, इससे अच्छा है कि हम यूट्यूब पे एडोब पे एडिट करके हम 15 सेकंड में आप बोलोगे ना वैसा वीडियो में हम बना के दे सकते हैं। इतनी ताकत हमारे यूट्यूबर में है, लिख लेना यूट्यूब कम्युनिटी कुछ भी कर सकती है। टिकटॉकर आप लोग ऐसा बोल रहे थे कि यूट्यूब पे आके हमें ही दबाओगे, अरे ताकत हो तो वीडियो बना के दिखाओ, कुछ भी करो दिखाओ तो सही, एक अकाउंट बना के तो पहले दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। आप लोगों सिर्फ बोलने में आगे हो, बोलने में ही एक्सपर्ट हो, करके दिखाओ, बाकी घंटा घंटा भी आप लोगों से कुछ नहीं होगा। और टिकटॉक वालों पहले ही बोल देता हूँ, यूट्यूब वाले से कंपैरिजन मत करो। आमिर सिद्दीकी या कोई भी टिकटॉकर जो हमारे साथ चैलेंज करने की बात कर रहा है ना, हम यूट्यूब वाले क्या करके दिखाएंगे ना, घंटा भी आप लोगों को पता नहीं चलेगा, घंटा। बाकी दुनिया तो हमें देख ही रही है कि कौन क्या बना रहा है क्या कर रहा है। हमारे भुवन बम कॉमेडियन, उसके बारे में पूरी दुनिया उनका नाम सुन रही है। कैरी मीनाटी, अभी आपने देखा कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बारे में क्या वीडियो बनाया। आमिर सिद्दीकी की हवा निकल गई, बोलने में और करने में आसमान जमीन का फर्क है। तो हमारे साथ कंपैरिजन करना मतलब दुनिया ही में तबाही लाने की चीज़ है, सुन लेना। और ये आमिर सिद्दीकी और जो वीडियो देख रहे हैं ना टिकटॉक वाले, जो हेटर्स फैला रहे हैं यूट्यूब के बारे में, सुन लेना, दूसरी बार चैलेंज लेने से पहले सुन लेना कि तू किससे पंगा ले रहा है। यूट्यूब कम्युनिटी से पंगा लेना मतलब, समझ गए ना, हिल जाओगे। तो भाई बढ़वे हमें मत सिखा, तू जहाँ पे भी है ना वहीं पे रहे। मैं यूट्यूब पे क्या करना है ना हमें मत बता, और ज़्यादा से ज़्यादा तू क्या कर लेगा, 1 मिनट से ज़्यादा तू वीडियो तो बना नहीं पा रहा है, तो तू घंटा तू 10 मिनट का वीडियो बना पाएगा यूट्यूब पे? तो बस तेरा IGTV पे वीडियो देखा ना, कैसे तू बौखला रहा था ना, सब पता चल गया। और कैरी मीनाटी ने कैसे तेरे को चमकाया ना, बस वहीं पे बैठे रहे, वहीं पे तू जो काम कर रहा है वो कर, और हमें ट्रांजेक्शन के बारे में मत सिखा, और वीडियो कैसे बनाना है वो मत सिखा। जो भी हम कर रहे हैं ना, दबा के हम यूट्यूब पे हमारा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और हाँ पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है। तो तेरे को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यूट्यूबर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और हाँ रही बात कि तू चैनल के बारे में कि तू इसका अकाउंट डिलीट करवाएगा उसका करवाएगा, तू घंटा करवाएगा घंटा, तेरे से जो होता है ना वो करके दिखा, देखते हैं हम भी देख लेंगे कितनी बार तू अकाउंट डिलीट मरवाएगा, कर ना तेरे में ताकत है तो कर। और ये Instagram ID है, Instagram पे मुझे मैसेज कर, तेरे से क्या होगा, तू वीडियो देख रहा है तो मेरे पे मैसेज कर ना, बात कर लेते हैं तेरे से क्या होता है, फिर होता है तो आमने सामने IGTV पे वीडियो बनाएंगे और दुनिया देखेगी ना, उखा ले तेरे से जो होता है उखा ले, कर लेंगे हम। यूट्यूब वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई, और हमें भी पता है टिकटॉक भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, सब मेहनत करके आते हैं। तो ऐसा नहीं कि घाघरा चोली पहन के सब डांस करने लगेंगे स्टेज पे, आगे बढ़ने के लिए हमें भी पता है मेहनत लगता है। और वीडियो तू जो फैला रहा है ना, वीडियो जो तरह तरह के बातें यूट्यूब के बारे में बोल रहा है ना, सब बंद कर दे, तू जहाँ पे भी वहाँ पे रहे। और धीस इज PKM का चैलेंज है, तू यूट्यूब पे तेरे से जो भी होता है ना उखा ले, कर लेंगे, बाकी तो बस सब बातें यूट्यूब पे करेंगे। तेरे को खुल्लम खुल्ला चैलेंज देता हूँ, तू वीडियो बना, तेरे से जो होता है वो बना, यूट्यूब पे एक बार अकाउंट बना के तो देखा यार, IGTV पे क्या वीडियो बना रहा है, वहाँ पे तो तू कितना बौखला रहा था, इससे अच्छा है कि यूट्यूब पे तो तू वीडियो बना, देख लेंगे तेरे में कितना दम है, और देख लेंगे क्या किससे तू कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन साले एंगेजमेंट की बात कर रहा है, तू पहले तेरा एंगेजमेंट कर, क्या करना है वो पहले कर ले, फिर दूसरे के बारे में कंपैरिजन बता। थैंक यू सो मच गाइस, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो टिकटॉकर है और उसके 10,000 फॉलोअर्स भी है, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ टिकटॉकर्स की, लेकिन जो ये आमिर सिद्दीकी जैसे जो आदमी है जो टिकटॉक को भी ख़राब कर रहा है और दूसरी कम्युनिटी को भी ख़राब कर रहा है,
तो बस ये मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई जो जिस जो टिकटॉक वाले हैं जो मेरे वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ हेट हेट मत फैलाओ, और बस यूट्यूब पे भी प्यार दो, टिकटॉक को भी प्यार दो, और बस अपने अपने जो प्लेटफॉर्म पे है वहीं पे रहो। और आपको दूसरे प्लेटफॉर्म या आप टिकटॉकर हो, आपको यूट्यूबर भी बनना है तो आप भी बन सकते हो, कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ये हेट फैला रहे कि ये है वो है ये फलाना ढिमकाना, बस ये चूतियापंती से दूर रहो। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आपका प्यार मुझे मिल रहा है और मिलता ही रहेगा। आप नए हो मेरे चैनल पे, अभी आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और वो बड़ा वाला घंटा है उसको भी दबा देना। और आपको मेरे साथ इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM पे बात करनी है तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कीजिए। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच गाइस। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा और नया नया कुछ करते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू सो मच।